प्रांतीय सिविल सेवा 2016 बैच के टॉपर रहे टनकपुर के तत्कालीन उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने नवंबर 2020 में अपने निजी संसाधनों से सिटीजन लाइब्रेरी की स्थापना की थी। शुरुआत में 5-10 युवाओं से शुरू हुई इस लाइब्रेरी में धीरे धीरे युवाओं की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद मुहिम ने तेजी पकड़ी और आज चंपावत जिले में इसकी 18वीं शाखा की शुरुआत हुई। जीए पहाड़ नागरिक पुस्तकालय नाम से इस 18वीं शाखा का उद्घाटन चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने किया। उन्होंने इसे नागरिकों की अच्छी पहल बताया। यही के सिटीजन्स की तरफ से इसको पहल की गई है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। हमने एक प्रयास किया था, हमने एक राजकीय पुस्तकालय जनपद मुख्यालय में खोला था और एफर्ट्स किए थे कि सर उसमें हम कुछ बच्चों के लिए पढ़ने का एक माहौल बना सकें। और मुझे अच्छी बात है कि वो तो एक ही हमने खोला, लेकिन उस प्रयासों से यहाँ के स्थानीय संभ्रांत नागरिकों के प्रयासों से अब ये सिटीजन लाइब्रेरी कभी मुझे बताया गया शायद 21 या 22 अब यहाँ पे खुल चुकी हैं। तो सराहनीय प्रयास है। आजकल की यंग जनरेशन है, उनके पास हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन एक पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता है। घर आजकल छोटे हो गए हैं, घरों में डिस्टर्बेंसेज बहुत होती हैं, टीवी है, मोबाइल है, तो इस तरह की रीडिंग रूम्स का जो एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत बढ़िया एक एफर्ट है जहाँ के बच्चे आ सकें। कंपटीशन का जमाना है, बच्चे एक दूसरे को देखते भी हैं पढ़ते हुए, उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक दूसरे से सीखते भी हैं और एक जो टीम स्पिरिट बनती है और एक जो एक स्टडी सर्कल बनता है, तो वो मुझे लगता है ये सिटीजन लाइब्रेरी जो है वो सारे उद्देश्यों को पूरा करती है। इस पुस्तकालय से युवा काफी लाभान्वित हो रहे हैं, उन्होंने इसे काफी उपयोगी भी बताया। वहीं जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी के समन्वयक अनिल चौधरी पिंकी ने बताया कि जिले की 18 सिटीजन लाइब्रेरी के साथ ही प्रदेश में 22 स्थानों पर इनका संचालन हो रहा है। 2020 को मां फुलनागरी तहसील में खुली थी, उसके बाद हमने टनकपुर नगर पालिका, बंदसा नगर पालिका, सुखीडा और आपका जौल और आपका पाकुर, सलानी रोड, छीरी रोड, आपका धुरा, आपका भुलम, काकरई, ये ऐसी करके ये आज हमारी 18वीं जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी है। हमेशा बात करते हैं कि उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो एक जो सिग्निफिकेंट अमाउंट होता था पलायन का, उन बच्चों के लिए भी होता था जो अपनी पढ़ाई की तैयारियां करने के लिए शहरों का रुख लेते थे, जैसे कि प्रयागराज, दिल्ली वगैरह। तो सिटीजन लाइब्रेरी की जो मुहिम से बच्चे जुड़े और आज की डेट में ये हमारी 18वीं लाइब्रेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा बच्चों को एडवांटेज ये मिला कि राधा दिन बड़ी सिटीज में जाने की बजाय उन्हें घर पे, अपने घर पे ऐसी सुविधा मिली कि पूरा वो पूरे 24 घंटे लाइब्रेरी में अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिले, यूपीएससी, एसएससी से लेकर एफआरओ और भी उत्तराखंड की जो स्टेट लेवल के एग्जाम थे पीसीएस लेवल में, तो बच्चों का बहुत ज्यादा चयन होने लगा।